अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। और जो है ना, रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, गला इतना ज़्यादा ख़राब, जुकाम हो गया मुझे, और आज मैं इतनी लेट उठी हूँ, आँख ही नहीं खुल रही थी। सुबह अरहम को भेजने के बाद मैं सो गई, तो फिर ना अभी अभी उठी हूँ, तो बस अभी मैं तो मायदा कहने लगी, मम्मा मुझे जो है ना ये डोनट बनाने हैं मैंने, तो आप मुझे डोनट का सामान सारा बना दें और मैं जो ना मिक्स करके इसको आटा गूंथ लूंगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो अभी मैं इसको ना डोनट का सामान बना के दे देती हूँ, ये खुद ही गूंथ लेगी आटा, और फिर शाम को बनाएंगे डोनट अच्छे से। 2-3 घंटे पड़ा रहेगा और उसके बाद जो है ना ये जब फूल जाएगा फिर डोनट बनाएंगे अच्छे अच्छे बच्चों के। और बहुत शौक से आराम और मायदा आइजल भी है छोटी, अब आइजल को भी बना के दूंगी, वो भी खाएगी। तो अभी जो है ना मैं शुरू करती हूँ डोनट। मैं नाश्ता बना के लेकर आ गई हूँ, अभी मैं करूँगी नाश्ता, ठीक है? आप लोग मेरे साथ रहें। और मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है इस यहाँ पे बालकनी में बैठ के, क्योंकि साफ साफ जगह तो हर किसी को पसंद होती है, हर किसी की फेवरेट होती है, तो साफ जगह मेरी बहुत फेवरेट होती है भाई। मैं जो ना ये मुझे इतना कोई अच्छा लग रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा पीछे का व्यू कितना अच्छा, साफ सुथरी दीवारें नज़र आ रही हैं, तो ये जो है ना मेरी जो है ना कमाल की जगह बन गई है बैठने के लिए मेरे, क्योंकि अंदर कमरों में ना तो ऐसे दिल घबराता है, दम घुटता है, दिल करता है बाहर बालकनी में बैठे। अगर बाहर की बालकनी ही अच्छी नहीं हो गई तो हम कैसे बैठेंगे बाहर? तो इसलिए मैंने जो है ना ये पैनल लगवाया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरी जो है ना ख्वाहिश पूरी हुई है। मैंने कहा आज चाय यहीं पे पीते हैं, अंडर डाइनिंग टेबल पे नहीं पीऊंगी, तो यहीं पे अपनी फेवरेट जगह पे बालकनी में बैठ के चाय पीऊंगी। आप लोग मेरे साथ रहे। अभी फिलहाल जो है ना मुझे तो सुबह सुबह की जो नाश्ता है वो मुझे चाय बिस्किट ही बहुत पसंद है, और ये मेरे फेवरेट है भाई, मैं तो खाती हूँ चाय बिस्किट, मेरे ना शुरू से ही बहुत फेवरेट रहे हैं, और इसके बगैर मेरा नाश्ता मुकम्मल नहीं होता। मुझे कोई भी बिस्किट पसंद नहीं है, पता है, सिर्फ एक ग्लूको और एक लेमन, लेमन के लेमन डॉट बस। मैं ये दो बिस्किट मैं खाती हूँ बस, ये दोनों मुझे पसंद है। और आयजल अभी सो रही है, अभी उस आयजल को भी उठाते हैं, अभी इस आयजल को नहलाना धुलाना कपड़े पहनाने, तो आप लोग जो है ना मेरी वीडियो एंजॉय करें रात वाली। कल रात को जो है ना मेरे पास सामान आ गया था सारा, गैलरी में जो है ना मैंने पैनल लगवाने हैं, तो शराज साहब अपनी दुकान से पैनल लेकर आए हैं, तो वो जो है ना मैंने लगवाने हैं, कर आ गए हैं, ठीक है? तो आयजल देखो ज़रा, आयजल को हर चीज़ में तजस्सुस होता है कि मैं हर चीज़ में घुस जाऊँ बस, और कोई काम नहीं इस बच्ची को। मेरी जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है सख्त वाला, और मैं ना आयजल को ही लेके बैठी हुई बस। और ये जो है ना पैनल मैंने मंगवाया, ये कलर मुझे बहुत पसंद है, वाइट, ऑफ वाइट और वाइट, तो जो है ना बहुत ही प्यारा लगता है, तो ये जो है ना मुझे पसंद आया था, तो ये शराज साहब लेकर आए, काट के सारा माल लेवल का काट के कटिंग करके लेकर आए हैं, बस यहाँ पे ला के फिटिंग करना है। तो यहाँ पे आराम भी मदद करवा रहा है अपने पापा, ये साफ सुथरी हो जाएगी, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। चले आसानी से लगते, कैसे लगता है? मुश्किल से लगता। बेटा मैं तो पहली दफा लगा रहा हूँ। यहाँ मैं तो यहीं पे सोऊंगा भाई आज, है ना, मतलब बस हवा चल जाए, वरना तो बुरा शहर हो जाएगा। आज लग रहा है ऐसी चलने वाला है, चलेगा कि नहीं, क्योंकि हवा तो नहीं आ चल रही फिलहाल, आज गर्मी हो रही है। हाँ आज गर्मी हो रही है, इतनी भी गर्मी नहीं हो रही कि एसी चल जाए। हो गया? हाँ माशाल्लाह सही है, बिफोर और आफ्टर लिया सही है, बिफोर तो फाइन, टूटी ना जाए, 30 बजे नहीं इधर लगी है। हाँ यहाँ पे लगे, ये देखो कैसे गंदी लग रही है दीवार, है ना सारी, यहाँ से ऐसे बहुत अच्छा बन जाएगी ना, साफ सुथरा हो जाएगा, जरा गैली साफ हो जाएगी, जरा नहीं बहुत, हाँ बहुत साफ हो जाएगा। 10,000 रुपया चाहिए मैं, पूरा 10,000 रुपया नहीं कुछ चीज़ 10,000 रुपया
इतनी सी जगह का 10,000 रुपए चाहिए आपको खास? हाँ जी 10,000 रुपए चाहिए मुझे। 10,000 रुपए अच्छा ऐसे लगाते हैं ये अंदर मसाज वसाज के, इसके अंदर फंसाते हैं ना। और ये आपने कीले लगाए यहाँ पे ना, ये इसको गला कहते हैं। वाह यार वाह, 8-10 कीले लगाई मेरा हाल सेट हो गया। हाँ सही है, जब काम करने लग जाओ तो हो ही जाता है ना कोई काम। हाँ, नियत होता है इंसान की। हाँ, नियत क्या है, इसने करना है करना, नहीं करना लगा नहीं करना। एक और लग गया। सही, वाह क्या सेट किया माशाल्लाह। मैं फुल कारीगर भी हूँ पता है। ये इतना सही सा क्यों छोड़ा ये वाला, ये टेढ़ा था ना। अच्छा ये टेढ़ी है जगह, ये सीधा टेढ़ी जगह की वजह। क्या हुआ ये देखो, वो ना तुमने गुठली डाली थी ना यार, ये तो मैंने उस दिन डाली थी। ये आपकी गुठली है, ये देखे ये गुठली है, ये वो है, और ये देखो कहाँ से निकल रही है यार। ये पूरा ना हवा लग जाएगी, बंद कर दो इसको, रात को पौधों को हाथ नहीं लगाते। पानी लाओ दिया पानी। ये कौन सा वाला आम था, ये जो अभी नहीं आम आप लेकर आए थे आखिरी दफा, जो आम लास्ट जो आम लेकर आए। सही से वीडियो बनाओ। नहीं आखिरी वाले नहीं, आखिरी वाले तो आखिरी से पहले जो आप लाए थे खट्टे मीठे वाले। ये वही है आम की गुठली है, कसम से सच्ची बता रही। अरे मुबारक हो, मुबारक हो, एक और निकला है। एक और निकल है यहाँ पे भी डाला था मैंने, ये इसमें पहले डाला यार हम तो। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, और पानी लाओ। इसमें ना पता क्या है, इसमें ना खाद है, खाद का काम है। हाँ पता क्या, मैंने ना मैंने तो उसके अंदर भी दवाई थी। ये देखो इसके तो डंडियां वो भी निकला है, पत्ते भी देख रहे हैं आप है। ये किसी ने तोड़ा, यहाँ पे भी डरते हैं कुछ तोड़ा है किसी ने, चिड़िया वड़िया ने तोड़ लिया होगा। हाँ ये इसके अंदर देखे, उसके अंदर ढूंढे, उसके अंदर भी मैंने लगाया था, पानी आ गया। सुना नहीं है, चलो ये तो तुम्हारे दो कामयाब हो गए ना। और ये मेरी ये भी मनी प्लांट भी चल गई है माशाल्लाह से। तो ना गोला कहते हैं जो ऊपर ये लग रहा है ना फिनिशिंग के लिए, लेकिन रात के करीब 2 बजे दूर अंधेरे में बंदर जैसी दिखने वाली चीज गायब होती हुई दिखती। क्या वो चीज थी, क्या वो क्रिएचर था जिसने इन पर हमला किया? ये पीछे पानी जाएगा तो कोई जानवर वाला नहीं पीछे पैदा हो जाएंगे? नहीं पानी तो नहीं जल्दी पैदा, किचन में पैदा हुए कोई, किचन में भी तो लगे हुए हमारे, इसमें कहाँ पैदा हुआ हमारे दरवाजा में पानी। बासों ने यहाँ कील मार दिया, 1-2 ताकि आगे को ना आए। हाँ सही, अनार ही कहीं के काटने में मसरूफ लगे हुए, इसको इतना नहीं पता कि मैं हाथ कट रहा है। चलो जी, इतना तंग करके रखा हुआ है इस बच्चे ने, इतना तंग करके रखा हुआ है, सोने का नाम ही नहीं है। मम्मा को जुकाम हो रहा है, गला खराब है मम्मा का। ये देखो, ये देखो, इधर देखो जरा, बताओ पापा को, बताती मैं पापा को, सबर करो जरा, बताओ पापा को उठाता। ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना बच्चे छोटे। ये देख रहे मुझे नाराज हो रही है, देख रहे नाराज हो रही है, देख रहे नाराज हो रही है। अभी देख
ये सारा पैनल ना मैंने यहाँ पे ना गैलरी में लगवाया है इनसे शरारत से कल, क्योंकि ये दीवार इतनी गंदी हो रही थी, सीपेज वगैरह भी थी और इसके अलावा जो है ना बहुत बुरा लगता था। हम लोग बैठते थे यहाँ पे, पीछे की दीवार बहुत खराब और गलत लगती थी। तो अभी फिलहाल साफ सुथरा हो गया मेरा, ये वाला एरिया साफ हो गया गैलरी का। मुझे बहुत शौक है अपनी बालकनी थोड़ी सी बड़ी हो, उसमें पौधे लगाऊं और साफ सुथरी सी रखूं। ज्यादा कचरा मैंने रखा ही नहीं हुआ। और ये छोटे से ये एक साइड पे पौधे रखे हुए हैं, इनको भी मैं सोच रही छत पे रखवा दूं सारे पौधे, छत पे जाके अपनी पर सारे रखवा दूं, पर ये ऊपर जाके खराब हो जाएंगे। मनी प्लांट मेरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना पूरे इसमें टप में, तो फिर मैं इसको ना बाहर गमलों में लगवाऊंगी मनी प्लांट को। और ये दिखाया था आपको, और हमने ना एक एक पौधा लगाया था आम का, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी लगाया था और उसके अंदर भी आम लगाया था, ऐसे टेढ़ा करके लगाया था, ठीक है। और उसको मैंने पानी दिया, उसके ऊपर मैंने ये दोनों गमले रख दिए थे इन दोनों के ऊपर। तो ये नम रहे, इसमें नम रहेगी ना तो ये और बढ़ेंगे ये, क्योंकि मैंने ना उनको देखा था नर्सरी वालों को, और नए पौधे को वो लोग ऐसे उगाते हैं तो ये गले का नहीं खराब नहीं होगा, ये ऐसे उग जाएगा। आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। और अभी इस फिलहाल मैं जा रही हूँ मायदा के, जो सुबह मैंने बताया था डोनट के लिए, डोनट बनाएंगे हम लोग, और उसकी डोनट की भी मैंने जो है ना रेसिपी और वीडियो बनाई है, वो आपको कल मिलेगी इंशाल्लाह। कल अच्छी सी वीडियो तैयार करके आप लोगों को मैं पेश करूंगी नई वीडियो में इंशाल्लाह। ओए मेरा बेबी आ गया, ये लड्डू पेड़ा बर्फी सोई हुई थी, अभी आ गई उठ के। आ जाओ मेरे व्लॉग में, आपने आने मेरे व्लॉग में। ये मेरी बेटी जो है ना, मेरी बेटी बहुत प्यारी बेटी है। चले जी, अभी मैं आयसल को देखती हूँ, ठीक है, और आप लोग मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।